कांग्रेस के स्टार प्रचारक सांसद राज बब्बर सिंह ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पहले समझा जाता था कि व्यापारी किसी विशेष राजनीतिक दल के साथ है, लेकिन अब ये धारणा गलत हो चुकी है। आज व्यापारी उस विचारधारक के साथ है जो समाज को आगे ले जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं बल्कि शिकारी है और वोटरों का शिकार करती है और शिकार कर चुपचाप निकल जाती है, और ऐसा ही उन्होंने लोकसभा के चुनावों में किया है, जिसमें उन्होंने बहुत से वादे भारत की जनता के साथ किए थे और वोट बटोर सत्ता हासिल कर अब जनता को अकेले छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ना जाने कैसा इतिहास रचना चाहती है, लेकिन जो दल देश को कमजोर करने का काम करते हैं, देश को खोखला करना चाहते हैं, आने वाली नस्लें उनका नाम नहीं लेती और शायद ये उसी इतिहास में शरीक होना चाहते हैं। यहाँ बिना नाम लिए भाजपा प्रत्याशी को सीख देते हुए राज बब्बर ने कहा कि कर्नल धनीराम शांडिल सौम्य, शालीन और सभ्य हैं। आगे बढ़ो लेकिन अपनों का सम्मान करना नहीं भूलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लड़ाई भी करनी है तो धर्म की लड़ाई लड़ो, लेकिन अगर धर्म की लड़ाई लड़ोगे तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से जीत नहीं सकते।